आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi, the question is, Ganesh, Harish, Suresh and Mahesh work together to produce 558 pieces of an item in 12 hours. Ganesh is twice efficient as Harish and is 5/6 efficient as Mahesh. Mahesh is thrice as efficient as Suresh. How many pieces can Mahesh produce in 9 hours? So, ये हमारा question है यहाँ पे. So, सारे गणेश, हरीश, सुरेश, महेश ये सारे मिलके 558 pieces बनाते हैं 12 घंटे में. अभी उनके efficiency का relation दिया गया है कि गणेश twice efficient as हरीश और 5/6 as महेश, और महेश बोल रहे हैं कि thrice of सुरेश है. तो हम लोग ये efficiency का जो है वो पहले हम लोग एक ठीक कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो कैसे करना देखते हैं आगे. तो देखते हैं कैसे करना है. अभी देखिए यहाँ पे गणेश है, मैं इसको जी लगा दूंगी, हरीश एंड सुरेश एंड महेश ये सारे 12 घंटे में मिलके 558 पीसेस बना सकते हैं. अभी बोल रहे हैं कि गणेश जो है ये ट्वाइस ऑफ हरीश है एंड 5/6 ऑफ महेश है. ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए सारे हम लोग महेश के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो क्या है, महेश कितना प्रोड्यूस करता है. तो हम लोग एक ये कर सकते हैं कि G इज इक्वल टू 5/6 एम लगा सकते हैं और H इज इक्वल टू 5/12 एम लगा सकते हैं. अभी महेश इज थ्राइस एफिशिएंट एज सुरेश, तो महेश इज 3 टाइम्स ऑफ सुरेश, तो हम लोग सुरेश को भी क्या कर लगा सकते हैं, यस इज इक्वल्स टू 1/3 एम लगा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, महेश कितने टाइम में बना सकता है. ठीक है, तो अभी हम लोग ये इक्वेशन में, जो ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग महेश के फॉर्म में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो जी के जगह में हम लोग लगाएंगे 5/6 एम इन प्लस एच जो क्या है 5/12 एम प्लस यस जो क्या है 1/3 एम प्लस एम इंटू 12 एंड दैट इज इक्वल टू 558. ठीक है, अभी हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे आ गया हमारा एलसीएम 12, सो 6 टू जा 12, 1 जा 4 जा एंड दिस इज इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा 10 एम प्लस 5 एम प्लस 4 एम प्लस 12 एम डिवाइडेड बाय 12 into 12 is equals to 558. So, हम लोग इसको further simplify करते हैं भी. तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ये 12 जो क्या है यहाँ पे नीचे का जो 12 है ये और ये cancel out हो जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास 10 plus 5 is 15, 15 plus 4 is 19, 19 plus 12 जो हमारा कितना होगा 19 plus 12 हमारा होगा 31. So 31 m is equals to 558. ठीक है, तो हम लोग को m मिलेगा कितना, so m मिलेगा 558 डिवाइडेड बाय 31 विच इज इक्वल टू 18. तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमें, 9 आवर्स में महेश कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है बोल रहे हैं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 9 आवर्स में महेश जो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, विच विल बी 18 इंटू 9 विच विल बी 162 यूनिट्स. सो होगा हमारा आंसर क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन टू होगा हमारा आंसर. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.